घड़ी में आपका बहुत स्वागत है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी समीकरण जो है वो हर वक्त बदलते रहते हैं। कब कौन किसके पाले में खिसक जाए ये कहा नहीं जा सकता। जिस तरह लगातार हवाओं का रुख बदलता रहता है, ठीक उसी तरह राजनीति में पाला बदलने का दौर देखा जा रहा है। और अगर बात यूपी की राजनीति की हो तो यहाँ समीकरण और भी तेजी से बदलते हैं, क्योंकि कहा यही जाता है कि दिल्ली का जाने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी के राजनीति में दोनों सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर यूपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है। सपा नेता ओपी सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि 25 दिसंबर को ओपी राजभर अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करने वाले हैं। इसके अलावा ओपी राजभर का एक बयान भी सामने आया है। दरअसल ओपी राजभर का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मैनपुरी सीट से अपने बिसात को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव से भी हाथ मिलाया। चाचा भतीजे के बीच हो रही दूरियां इस चुनाव में खत्म हो गई और चुनाव के नतीजे वाले दिन शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रासपा का सपा में विलय कर दिया। तो इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी मौजूद है और हमारे साथ गेस्ट पैनल का हम आपको रूबरू करा दें और चर्चा करने के लिए हम आपको बताएं कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। तो हमारे साथ यूपी से स्टेट हेड बकार वारसी जुड़ चुके हैं, सुबह सपा से हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ आपको बता दें कि और सपा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रवर्तक भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं रुक करूँगा स्टेट हेड का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, आपसे समझना चाहूँगा किस तरह से अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले तो हमने ये देखा कि शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच जो दूरियां थी वो हमने यूपी के राजनीति में देखी, लेकिन जब हमने देखा कि मैनपुरी चुनाव की बात आई तो हमने देखा कि दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही। इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो सुबह सपा जो है वो भाजपा के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन बीच में हमने देखा कि दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो बढ़ने लगी। और एक बार हम फिर देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में सुबह सपा के जो ओपी राजभर है उनकी मुलाकात हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ देख रहे हैं। और जब ऐसे मुलाकात को लेकर पत्रकारों ने उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने यही कहा कि ये एक औपचारिक मुलाकात है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे कई संगठन हैं जो राजनीति जो पार्टी है उनके साथ जो है कभी जाते हैं कभी नहीं भी जाते हैं और इस तरह की मुलाकातें आम बात है। आप किस तरीके से देखते हैं इस मुलाकात को? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? राजनीति आपको आवाज आ रही है मेरी? वारसी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैं सुन सकता हूँ जी। वारसी जी मेरा सवाल है, हमने एक समय देखा उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है उसमें हमने देखा कि शिवपाल सिंह यादव की पार्टी का विलय हुआ है और एक बड़ा पद शिवपाल सिंह यादव को पार्टी देने के ऊपर विचार भी कर रही है। जो दूरियां थी वो सिमटती हुई नजर आ रही, खत्म होती हुई दिख रही है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ओपी राजभर जो है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर रहे हैं, इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए उदय मैं आपको बता दूं कि जिन ओपी राजभर साहब का आप नाम ले रहे हैं भाजपा की, उनके बेटे ही हमारे साथ पैनल पे हैं। अरुण राजभर जी वैसे तो पहले मशहूर है लेकिन आजकल लखनऊ की सड़कों पे और सोशल मीडिया पे अरुण राजभर जी और ज्यादा मशहूर हो गए, क्योंकि ये अपनी पार्टी के जो भागे हुए लोग हैं उनका पीछा बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और अरुण राजभर जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा भी कुछ है कि आपको लाइव लोकेशन मिल जाती है उन नेताओं की जो आपकी पार्टी के संपर्क में नहीं है? अरुण राजभर जी जी अरुण जी हमें शायद सुन नहीं पा रहे हैं। दीपक जी की तरफ चलूंगा। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमके न्यूज पे, आप सुन सकते हैं हमें?
मैं आवाज स्पष्ट आ रही है। दीपक जी, ये जो ये चार दिन से घटनाक्रम चल रहा है राजधानी लखनऊ की सड़कों पे कि महेंद्र राजभर जो सुभाषपा में कभी हुआ करते थे वो समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुंचते हैं और समाजवादी पार्टी के ट्रस्ट के ऑफिस पे पहुंच के उनको मीडिया में ये कहना पड़ता है कि मैं नहीं गया। आप ही की पार्टी के अधिकृत स्पोक्स पर्सन है उदयवीर सिंह जी जो ये कहते हैं कि वो आए थे, महेंद्र राजभर जी कहते हैं हम नहीं आए थे, तो ये क्या घटनाक्रम चल रहा है? उधर अरुण राजभर जी जो पार्टी के पार्टी चीफ के खुद बेटे हैं, पार्टी में बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, हमारे साथ पैनल में भी हैं, ये इनको स्टिंग करना पड़ जाता है अपनी पार्टी के एक पुराने नेता का, तो ये राजनीति के जो समाजवाद का दायरा आपने पढ़ा है, आप लेखनी और लिटरेचर दोनों के माहिर हैं, आप कैसे देखते हैं दीपक मिश्रा जी इस चीज को? देखिए, राजनीति जितना दल के आंतरिक होती है उससे ज्यादा दल के बाहर होता है। राजनीति सार्वजनिक जीवन को जीने का एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। तो दुखद है कि एक पार्टी का नेता मिलने जाता है, दूसरा नेता नहीं कहता है, तीसरा नेता उसकी वीडियोग्राफी करता है, तो फिर ये सार्वजनिक सवालों पर कब लड़ेंगे और किस तरह से लड़ेंगे? ये बहुत हल्की, सतही और कलही बातें हैं। अगर जो अभी आपने राजभर जी का नाम लिया, वो आदरणीय प्रकाश राजभर जी की पार्टी, मैं व्यक्तिगत जुड़ाव की बात नहीं करता, यदि उनसे दूरियां हैं और दूरियों का कोई सिद्धांतिक पक्ष है तो इसको सार्वजनिक करते हुए अलग हो जाए। वो एक राजनीति में, कल तो अटल जी का जयंती है और अटल जी बात कहा करते थे, डॉक्टर मेहिया को उद्धृत करते हुए संजय से एक जन संवाद में था, मैं भी मौजूद था, वो गैर राजनीतिक नहीं था, साहसिक नहीं था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में कोई बात छुपती नहीं, इसलिए लोकतंत्र को छुपाना भी नहीं चाहिए। चौधरी चरण सिंह जिनकी हम लोगों ने जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई किसान दिवस के रूप में, वह उत्तर प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं, पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री, वो कहा करते थे कि राजनीतिक व्यक्ति यानी जो सार्वजनिक जीवन जी रहा है उसमें आप पत्रकार भी आ जाते हैं, साहित्यकार भी आ जाते हैं, इनके जीवन में कोई दूसरा कंपार्टमेंट यानी कि पर्सनल कंपार्टमेंट नहीं होता। ये छुपाओ, ये दुराओ, ये चीज राजनीति के किसी भी सिद्धांत में, सिद्धांत के खाचे पे और लोकतंत्र के निकष पर खरा नहीं उतरता है। अच्छा होता कि अगर उन्हें ओम प्रकाश राजभर जी का साथ छोड़ना ही है तो उनके सैद्धांतिक असहमति से बिंदु बताते और साथ छोड़ देते। उन्हें अगर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी है तो समाजवादी पार्टी के लिए मूलभूत सिद्धांत है, इनके सिद्धांतों से वो सहमत है और उसे जाते। तो ये जो कहते हैं ना कि साफ चुनिंदा है, साफ पर्दा है, सीमन से सटे बैठे हैं, साफ सुथरे भी नहीं, सामने आते भी नहीं, राजनीति भी गलत है, यह आधा सच है और आधा सच पूरी झूठ से ज्यादा खतरनाक कुंडेरवा पद्धति में कहा गया, सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, राजनीति में झूठ पी जा सकती है। दीपक जी, अरुण राजभर जी हमारे साथ हैं, मैं मुझे लगता है हमें सुन भी सकते हैं अरुण राजभर जी। मसला अब सिद्धांत से ऊपर उठ के इल्जाम पे आ गया है और इल्जाम तो भाजपा का ये है कि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव जी सुभाषपा को, पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। भाई, पीछे हर राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के नेता का ये कर्तव्य है कि वो अपने दल को बढ़ाए, इसमें साजिश जैसे शब्द का मुझे नहीं लगता कि कोई प्रयोग उचित होगा। हमारे चैनल पे ओम प्रकाश राजभर जी परसों आए और उन्होंने हमारे चैनल पे ये कहा कि जिस नेता के यहाँ एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, चार मोटरसाइकिल नहीं खड़ी होती थी, तो वहाँ 20 फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ और सैकड़ों मोटरसाइकिलें खड़ी होने लगी हैं। आप देखिए इस पर कहाँ जा रहा है, क्या वो वोटर जिन्होंने 2022 में आपको और उनको एक स्टेज पे, एक मंच पे देखा और दिल से वोट दिया, क्या वो ये नहीं सोचते होंगे कि ये क्या चल क्या रहा है, हमें क्या पपेट की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, इस पे क्या क्या कैसे देखते हैं आप इस नैरेटिव को, इस नए राजनीति के नैरेटिव को?
दीपक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। मेरा सवाल अगर आप ना सुन पाए हो तो मैं दोहरा दूं? प्लीज दोहरा दीजिए। दीपक जी मैं ये कह रहा हूँ कि जिन वोटरों ने 2022 के आम विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी को, अखिलेश यादव जी को, शिवपाल सिंह यादव जी को एक मंच पे देखा और वो इकट्ठे हुए, उन्होंने लाखों की तादाद में अलग अलग विधानसभाओं में वोट दिया, उनको लेकर के क्या ये बड़े नेता नहीं सोचते कि अब वो क्या सोचेंगे? क्या वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर सकते? बिल्कुल आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जब पूर्वांचल की गलियों में, पूरे उत्तर प्रदेश में तो उनका नहीं प्रभाव है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पूर्वांचल में भी नहीं प्रभाव है तो ये गलत होगा। वो सब घूम घूम के समाजवाद के पक्ष में एक जनमत बनाने का काम किया था, सब क्या हो गया? ऐसा भी तो नहीं है कि चलिए मतलब कोई पूर्ववर्ती कोई लिखित दस्तावेजी करार था जो तोड़ दिया गया, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो फिर ऐसा नहीं क्या था? क्यों देखिए, हमारी जो पहला सिद्धांत है, मैं महात्मा गांधी जी को रेखांकित करना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी ने जो कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट डॉक्ट्रिन है, यानी कि राजनीति में जब सिद्धांतहीनता आ जाती है तो वह पापी हो जाती है, अपराधी भी नहीं पापी हो जाती है। तो हमें राजनीति में कहीं न कहीं अपने सैद्धांतिक पक्ष की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर उन्हें समाजवादी पक्ष में कुछ कमियां नजर आती हैं तो सार्वजनिक बहस करें, कमियों को दूर करें। अब इस तरह का कि यह बयान कि कल जिनके यहाँ 10 पार्टनर नहीं था उनके यहाँ 20 पार्टनर हो गई, जिनके पास एक मकान नहीं था उनके पास 5 मकान हो गई, यह सब यह शब्दावली और यह भाव भंगिमा किसी जिला पंचायत अफसर के नेता का भी अगर है तो भी गलत हो। दीपक जी मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। अरुण जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी से मेरा सवाल है, अरुण जी अगर बात करें तो ओपी राजभर और डिप्टी सीएम के बीच की जब मुलाकात होती है और दोनों की मुलाकात को लेकर जब पत्रकार उनसे चर्चा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भले ही दोनों गठबंधन, दोनों ही पार्टियां अलग अलग हैं लेकिन दिल एक है। ये दिल एक का क्या मतलब? क्या ये माना जाए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ माना जा रहा है? हमारे बड़े भाई दीपक मिश्रा जी बैठे हैं, ये भी हमारे बड़े परम मित्र हैं, दोस्त हैं, इनसे भी हमारा दिल मिलता है। श्री अखिलेश यादव जी से भी हमारा दिल मिलता है, श्री उदयवीर सिंह से भी हमारा दिल मिलता है, श्री शिवपाल यादव जी से, इनके बड़े नेता हैं, उनसे भी दिल मिलता है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी से भी दिल मिलता है। इस प्रदेश का कोई भी ऐसा, देश का कोई ऐसा नेता नहीं है जिससे दिल हम लोगों का न मिलता हो। राजनीति का सिद्धांत अलग अलग है, इनके सिद्धांत कुछ दिन तक अलग थे, ये राष्ट्रीय अलग। अरुण जी दिल तो मिलता है लेकिन साथ ही ओपी राजभर जी ने ये भी कहा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो क्या ये संभावना है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ कुछ गठबंधन को लेकर कुछ संभावना है? अरे भाई यही दीपक मिश्रा जी ये कहा करते हैं कि लोहिया जी का आदर्श था, सिद्धांत कभी भी कमजोर नहीं करना चाहिए। ये भी कुछ दिन तक अपना सिद्धांत लेकर के अलग पार्टी चला, इनके बड़े नेता चले गए। ये सिद्धांत की जब बात करते हैं तो बड़ी मजा आता है मुझे। सुहेल भारतीय समाज पार्टी आदरणीय हमारे ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात हुआ, हम चोरी की तरह थोड़ी ना मुलाकात किए, खुलेआम बताए, आप पब्लिक में कहे, जनता में कहे, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जिम्मेदार हाँ कि हमारे उनसे दोस्ती है और वो गैर राजनीतिक संगठन जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का एक कार्यक्रम चल रहा था उसमें हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने क्षेत्र की समस्या लेकर के उनके पास गए थे। अचानक वहां मीटिंग चल रही थी, उन्होंने कहा बिना बुलाए अगर कोई अतिथि हमारे पास आता है तो उसका सम्मान हम बराबर करते हैं, और उन्होंने दोस्ती के नाते अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठा कर कहा कि ये गैर राजनीतिक संगठन है, मैं भाजपा का नेता हूं, आप सुहेल भारतीय समाज पार्टी के नेता है, अब आइए यहाँ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक दल के नेता नहीं थे, वो विश्व के, भारत के एक ऐसे नेता थे जो हर विचारों को जनता के सामने प्रदर्शित करते थे, प्रेरणा सबसे लेते थे, और उन्होंने साहित्य जैसे ये हमारे मिश्रा जी ये भी साहित्य के बहुत ही बहुत मानते हैं, जानते हैं और हमेशा हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। तो हिंदी को लेकर के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बार बार कहा करते थे कि इस देश में अगर गरीबों जी चाहिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, यही बात ब्रजेश पाठक जी के मंच जी कार्यक्रम
कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना तभी साकार होगा जब गरीबों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी, एक समान जो पढ़ाई अमीरों को हो रही है वही पढ़ाई गरीब के बेटा और बेटी को होगी, वाजपेयी जी का सपना साकार होगा। वही बात कि जो गरीब पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता है, अगर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना साकार करना है तो गरीबों को इलाज फ्री में करने की व्यवस्था कर दें तो उनका सपना साकार होगा। ये बात को राजनीति है, अटल बिहारी वाजपेयी किसी एक दल के नेता नहीं थे, सभी के नेता थे वो, लेकिन बात ये हो रही है कि क्या जिस तरह की सियासी गलियारों में इस तरह की बातें उठ रही है कि ओपी राजभर यानी सुभाष सपा की जो पार्टी है उसका बीजेपी में आने वाले वक्त में गठबंधन को लेकर जिस तरह की चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में, क्या वाकई में गठबंधन की संभावना है या ओपी राजभर यानी सुभाष सपा आपकी पार्टी जो है वो 2024 में जो चुनाव है वो स्वतंत्र रूप से लड़ेगी? देखिए, जिसके पास ताकत होता है, यह देश गठबंधन के दौर से गुजर रहा है। इस देश में कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठा हुआ है चाहे विपक्ष में बैठा हुआ है, बिना गठबंधन के वो राजनीति नहीं कर पा रहा है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी 45-46 दलों का गठबंधन बना के सरकार चला रही है, उत्तर प्रदेश में 3 दलों का गठबंधन की सरकार चल रही है। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी का अभी पूरा फोकस है अपने संगठन को मजबूत करना। अपना कार्यक्रम अभी आपने देखा, 18 दिसंबर को मऊ में हमने महिला हक अधिकार महारैली किया जिसमें 50,000 की संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई। हम महिलाओं के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। इस समय हमारा मुहिम चल रहा है कि पंचायत चुनाव और नगर पंचायत चुनाव के तर्ज पर लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण रिजर्व कराने के लिए हम महिलाओं को जागृत कर रहे हैं। गुजरात और बिहार की तर्ज पर हम महिलाओं को जो प्रताड़ित है वहां उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद कराने की मांग कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में हम 50% नौकरियों में हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम उनको जनजागरण माध्यम से हम चला रहे हैं। अब आप देखिएगा, 27 दिसंबर को हम भेलारा जो सुल्तानपुर जिले के विधानसभा कादीपुर है वहां हम महिला हक अधिकार महारैली करने जा रहे हैं। तो हम अभी अपने संगठन अपने कार्यक्रम और पूरी ताकत लगाए हुए हैं नगर पंचायत चुनाव पर कि हमारे अधिक से अधिक नगर पालिका के चेयरमैन बने, परिषद में जाए और वार्ड के पार्षद बने। मैं कर लेता हूँ। अब जैसे गठबंधन का सवाल आपने किया, जब देखिए समय गठबंधन का जब आता है तो वो दौर आता है। अगर मैनपुरी चुनाव नहीं आया होता तो मुझे लगता है कि आज भी हम और दीपक मिश्रा जी बैठ करके श्री अखिलेश यादव जी और कोसने में लगे होते। वो तो स्वर्गीय नेताजी नहीं रहे इस धरती पर, सिंपैथी में वहां चाचा को मजबूरी हो गया, जरूरत हो गया, वो वहां जाकर के श्री अखिलेश यादव जी के सामने शरणम गच्छामी कर दिए और ये कहा गया इनके माध्यम से बड़ा जिम्मेदारी मिलेगा। चाचा कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष भी बन गया, राष्ट्रीय महासचिव बन गया, लेकिन जिम्मेदारी ये होना चाहिए कि चाचा को जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलना चाहिए, क्योंकि नेताजी के बाद अगर कोई काम किया है उनके पीछे संघर्ष किया है। अरुण जी, शिवपाल यादव का तो ये भी बयान है कि उनको पार्टी में किसी पद की लालसा नहीं है, वो एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे चाहे पार्टी उन्हें कोई पद दे या ना दे। यही बात की तो लड़ाई थी, यही बात की उदय, मैं बीच में यहाँ अरुण राजभर जी से सवाल करूंगा। जी जी, अरुण राजभर जी को एक जवाब दे जाऊंगा। अरुण जी, आप वार्ती जी का सवाल सुन लीजिए, पहले ये आपने जो सवाल किया पहले उसका जवाब दे दो, फिर काम करवा के जाएंगे, सुन लेंगे इनका, ठीक है। इन्होंने कहा अभी चाचा, हम तो नहीं कह रहे थे, जब ये चाचा अलग थे अपना प्रस्ताव बनाकर काम कर रहे थे तो चाचा अपने भतीजे पर आरोप लगाते थे कि चापलूसों से यही घिरे हुए हैं। मित्रा जी भी कह रहे थे बैठे हैं, ये भी खूब सीना तान तान कह रहे थे कि नेताजी का अपमान किसी ने किया तो भतीजे ने किया, श्री अखिलेश यादव जी ने किया, चाचा का अपमान किसी ने किया तो भतीजे ने किया। हमारे पार्टी को इन्होंने बहुत ताकत लगाया था, पार्टी दिखाया कि हम नहीं चुनाव लड़े थे, देख लीजिए 2000-2100 वोट पाए थे। तो इनको पता हो गया कि हमारे पास कोई है नहीं, तो आप अपना जान बचाओ, इज्जत बचाओ और श्री अखिलेश यादव जी गले लग लो, कम से कम गुड़ौती में यही एक काम आएगा। अब जनता समझ गई गाल जी, अखिलेश यादव जी को अरुण जी की बात का जवाब दीपक जी बेहतर तरीके से देंगे। अब तो दल मिल गया है, दिल कहाँ से मिलाएंगे मिश्रा जी, दिलवा कहाँ जाएगा, दिल में तो छेद बला दिए थे पहले से ही, अब उसमें बड़ा समय लगेगा। जी वार्षिक जी, आपका जवाब बड़ा जबरदस्त था। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर याद दिलाना चाहता हूँ साल भर पहले की, जब आपकी पार्टी के शीर्ष नेता आपके पिताजी श्री ओपी राजभर साहब ऐसे गुलदस्ते के मालिक हो गए थे कि जहाँ पूरा प्रदेश
50% लोग इस प्रदेश के आंख उठा के उनकी तरफ देखते थे कि एक तरफ शिवपाल सिंह यादव जी भी उनके साथ, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी उनके साथ, एक तरफ वो पूरा प्रयास कर रहे थे कि कैसे समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव से उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की दूरियां मिटा दी जाए, चंद्रशेखर रावण को भी उसमें मिला दिया जाए, कैसे और दलों को साथ में ले लिया जाए। तो ये प्रयास, इतना खूबसूरत प्रयास करते करते ये क्या हो गया कि ये गुलिस्तां एकदम आबाद हो गया, इसकी प्लॉटिंग होने लगी, कोई प्लॉट कहीं जा रहा है, कोई प्लॉट कहीं जा रहा है। अब इसमें यह था कि श्री अखिलेश यादव जी को ओवर कॉन्फिडेंस हो, मुझे शिवपाल यादव की जरूरत नहीं है, मुझे बाबू सिंह कुशवाहा की जरूरत नहीं है, मुझे असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारे से गठबंधन किया, इनको भी कहा कि हम 10-20 सीट देंगे, चाचा पाली जफरन नगर दे करके इनको भी बंदर बना दिया। तो हालात ये थे कि जो सम्मान देना चाहिए राजनीति में, वो सम्मान अगर चाचा के कहने पर 100 सीट दे दिए होते हम सभी गठबंधन के साथियों को, तो मुझे लगता है कि आज वो सीएम बनते और उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार होती। और दीपक मिश्रा जी भी बैठ करके हम लोग भी ताल ठोक के कहते हैं कि हम सभी लोग बैकवर्ड पिछड़े दलित एकजुट होकर सरकार बना दिए। हमने तो प्रयास किया, आप देखिए पूर्वांचल में हमने जितनी ताकत पैदा किया, जहां 2017 में समाजवादी पार्टी मात्र 47 सीट जीती थी, वही 2022 में समाजवादी पार्टी गाजीपुर में पूरी सीट जीत गई, आजमगढ़ में पूरी सीट जीत गई, अंबेडकर नगर में पूरी सीट जीत गई, बस्ती में पूरी सीट जीत गई, बलिया में जीत गई, मऊ में जीत गई। तो जिस जगह पर हम काम कर रहे थे उस जगह पर तो हमने कामयाबी दिखाई, लेकिन पश्चिम में जहां चाचा शिवपाल जी का घर था, जहां जयंत चौधरी का घर था, जहां मौर्या जी का घर था, वहां तो सबके सब भाजपा ही चले गए। तो कहीं ना कहीं जिनसे हमारा भरोसा था कि हमें पश्चिम से वोट मिलेगा और हम कमियां हमारी जहां थी, जहां जीतने वाला प्रत्याशी था वहां हारने वाला प्रत्याशी थमा दिया गया, जहां कमजोर प्रत्याशी जहां दिखा हमने बदलने की भी बात किया वहां बदला भी नहीं गया। तो परिणाम तो जनता का सामने है, जनता ने जिस मुद्दे को हम लेके गए थे जनता ने उतना समर्थन किया और बाकी मुद्दों को खारिज कर दिया। आप लाइव बहुत बड़ी खबर का खुलासा कर रहे हैं राजभर जी कि 100 सीट अखिलेश यादव जी से जो शिवपाल सिंह यादव जी ने मांगी थी वो उन्होंने मना करी और आप लोग इस बात के साक्षी हैं। बिल्कुल है, 100 सीट इन्होंने, ये तो हमारे मिश्रा जी खुद कह रहे थे कि अगर चाचा के कहने पर 100 सीट बची होती तो आज श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते और हमारे मिश्रा जी की जल जला रहा था पूरा, एकदम ललकारते आज पूरा, हम लोग भी टाइट रहते, मामले में बिगड़ गया। अब क्या करेंगे, जिसको सरकार बनानी थी वो खुद ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा था मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही सक्षम है। तो भाई जैसे वो सक्षम थे वैसे हम लोग, हम तो राजनीतिक दल है, हमारी पार्टी अलग है। अब तो इनकी एक पार्टी थी, इनकी बात पार्टी के नाम पर सुनी भी जाती थी, अब तो पार्टी का भी लेकर लिया, कौन सुनेगा। अब आप चिल्लाते रहो कि हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, तो जब जरूरत थी तब नहीं सुना, अब जरूरत नहीं है, लोकसभा चुनाव आएगा नजदीक तब सुनी जाएगी, उससे पहले कोई बात इनकी नहीं सुनी जाएगी। हमें पता था कि आने वाले समयों में चाचा को फिर से अपमानित किया जाएगा, फिर से दोनों लोग एक लिए बैठे हैं, बहुत देर से मुस्कुरा भी रहे हैं। दीपक जी क्या कहेंगे, जिस तरह से अरुण जी का कहना है कि अखिलेश यादव को ओवर कॉन्फिडेंस था और वो किसी की बात नहीं सुनते थे, अगर बाकी गठबंधनों की बात सुन लेते तो सीएम होते अभी। अच्छा ये बताइए, बिना बात सुने ही इनका सपा से गठबंधन हो गया। मैं तो आज भाई अरुण के व्यक्तित्व के इस रूप से बड़ा प्रभावित हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि ये जो अच्छे भी है, मैं तो जानता था कि अच्छे राजनीतिक की आवाज बड़ी बुलंदी के साथ उठाते हैं, मेरे छोटे भाई है, चाय भी अच्छे से पिलाते हैं, दिल चुकी मिलता है तो प्रेम से मिलते जुलते हैं। लेकिन मुझे आज पहली बार पता चला कि इनका पांडित्य कर्म भी अद्भुत है, इतने बड़े कैसी है कि कौन कब किसको कहाँ किस तरीके से किस लहजे में पांडित करेगा ये भी नहीं पता है। जब इतने सर्वज्ञ हैं तो फिर इनसे क्या प्रश्न पूछा गया, इनसे क्या जवाब लिया गया। मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण के दौर में होते तो यही स्वयं कृष्ण होते जो गीता कल्याण जी होते। ऐसा देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, राजनीति में ठीक है थोड़े बहुत विपर्य होते हैं, थोड़ा बहुत विचलन होता है, लेकिन सैद्धांतिक पहलू और सैद्धांतिक पीठ का आदमी कभी विकसित नहीं होता। हमारी पार्टी का नाम, हम जब सपा से अलग भी हुए तो भी दक्षिण समाजवादी पार्टी था, दक्षिण लोहिया के नाम पर लोहिया शब्द से दक्ष में था। हमने हमेशा आदर्श और आत्मा की बात की और समाजवाद की बात की, ठीक है थोड़े बहुत विद्वेश तो था, विद्वेश होता तो हम दूसरे दल में होते, भाजपा में होते,
नहीं है, भाजपा गठबंधन में हो तो नहीं रहे, ठीक है हाथ में तराजू लेकर या कसकोल लेकर राजनीति नहीं की जाती। अगर सूदो जिया देखा नहीं जाता सियासत में, ये सौदा और सौदा है, ये दुनिया और दुनिया है। जयप्रकाश नारायण हमारे देश के महान नेताओं में से एक हुए, गांधी लोहिया जयप्रकाश ये नाम आता है, या अगर ताकत के लिहाज से देखा जाए तो गांधी नेहरू जयप्रकाश आता है। मतलब जयप्रकाश नारायण से ककर के नायक कहे जाते हैं, 42 में लोहिया के साथ नायक थे, उनका भी तो दल नहीं था तो क्या वो राजनीतिज्ञ नहीं रहे। महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं बेलगांव में, उसके बाद कभी पर्सनल पार्टी के नेता नहीं बनते। हाँ राजनीति में आपकी पकड़ कितनी है, प्रभाव कितना है, बहुत से लोग रहे जिनके बड़े बड़े दल भी रहे और दल में लेकिन उनकी प्रभावशीलता नहीं रही। इसलिए राजनीति का जो तकाजा है, राजनीति कोई नौकरशाही नहीं है कि इनकी टेप से आपने हाई प्रोफाइल तय कर दिया। शिवपाल सिंह की समाजवादी पार्टी का रिश्ता आत्मा और शरीर का रिश्ता था, आत्मा और शरीर का रिश्ता है। दीपक जी, दीपक जी, जिस तरह से आप आत्मा और शरीर की बात कर रहे हैं, एक समय वो भी हमने देखा है जब अखिलेश यादव ने सीधा कह दिया था कि शिवपाल यादव स्वतंत्र है, वो उनकी मर्जी है, वो जहाँ चाहे वो वहाँ जा सकते हैं, उनको किसी ने नहीं रोका है। इसका जवाब ही तो सुन लीजिए, उन्होंने पत्र लिखा कि उनके चाचा, उनके पूर्ववर्ती नेता, वर्तमान सहयोगी स्वतंत्र है, जहाँ जाए जहाँ उन्हें ज्यादा सम्मान मिलेगा, तो अखिलेश जी ने सम्मान ज्यादा दे दिया उनके साथ है, उससे क्या गलत है जी। यहाँ सम्मान ज्यादा मिला वहाँ पर है। हम लोग अरुण राजभर जी से पूछ सकते हैं कि ये लोग जब साल भर पहले चाह रहे थे कि आप शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव का आपस में समझौता हो जाए, गठबंधन हो जाए दिल से, आज जब वो हो गया है तो ये कटाक्ष क्यों कर रहे हैं, बधाई क्यों नहीं दे रहे? नहीं, मैं तो इन्हें साधुवाद देता हूँ भाई अरुण, क्योंकि देखिए व्यक्तिगत बातें कभी शादी दूरदर्शन या टेलीविजन या कहीं नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं भाई अरुण को ऑन एयर सार्वजनिक रूप से साधुवाद देता हूँ कि वह गैर भाजपावाद का जो एक नारा था, एक स्वप्न था जिसे हमने देखा था, उस स्वप्न को पूरा करने में इनकी महती भूमिका है। ये और बात है कि मुझे बुला के खुद मेजबान गायब है, अजब सच हूँ मेरा हम जीवा नहीं मिलता, यही हम लोग से भाजपा के विरुद्ध एक गैर भाजपावाद के सूत्र पर काम करने की नसीहत दे रहे थे, आज खुद चले गए हैं, कोई बात नहीं, देर सही ये हमारे साथ होंगे, हमारी ताकत होंगे, आज हमारा इनसे दिल मिल रहा है, कल को दल भी मिलेगा जी। अरुण जी देखिए, हमारे मिश्रा जी बहुत पढ़े लिखे हैं, किताब काफी भी बहुत पढ़ते रहते हैं, इतिहास भूगोल भी इनको पता है, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण सबके बारे में ये बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं और वो बहुत विद्वान आदमी है और इनके विद्वानता तो मैं सवाल नहीं खड़ा करता हूँ, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को जिस तरीके से प्रसपा ने, जिस तरह से ये नेता थे उस समय, हम लोग चैनल पर बैठा करते थे तो जिस तरह का हम लोग चर्चा करते थे कि चाचा को जितना, हम तो बैठे थे बहुत बार, हमें इनके सामने भी मुलाकात हुई, तो हमने कहा कि अब चाचा को संघर्ष करना चाहिए अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अब जब तय रास्ता कर लिया कि नहीं मुझे अब अपमान ही सहना है, मुझे समाजवादी पार्टी के साथ ही, ये कभी अलग तो थे नहीं, सही कह रहे हैं, ये बात एकदम जायज कह रहे हैं कि हम कभी सपा से अलग नहीं हुए, 2017 भी विधानसभा सपा के सिंबल पर लड़े, 2022 भी सपा के सिंबल पर लड़े और आगे भी आप देखेंगे तो सपा के ही सिंबल पर लड़ेंगे। हाँ दल अलग था लेकिन दिल इनका समाजवादी पार्टी के ही इर्द गिर्द घूम रहा था, ये सच है, लेकिन उसके बाद भी नेताजी और हमारे दीपक मिश्रा भाई, इनको भी मंच पर चाचा और भतीजे ने कितना बड़ा अपमान किया कि माइक छीन करके धक्का मार करके भगाया था, क्या इसको इस प्रदेश की जनता भूल जाएगी? और छोड़ दीजिए वर्तमान में अभी लोकसभा मैनपुरी चुनाव हुआ, मैं तो नहीं जानता अरुण जी, शिवपाल यादव का दिल अखिलेश के आजू बाजू घूम रहा था लेकिन सुभाष सपा का दिल कहाँ घूम रहा है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभी चाचा का दिल भाजपा तरफ घूम रहा था, जब ये प्रसपा में नहीं, अखिलेश यादव के पास शिवपाल यादव का दिल घूम रहा था, उनका तो हो गया, बोले आपका दिल कहाँ घूम रहा था?
नहीं, चाचा का दिल घूम रहा था भाजपा के यहाँ, वो मैनपुरी टिकट भी मांग रहे थे। ये जैसा कि चैनलों पर खबर आ रही थी कि चाचा अगर मैनपुरी भाजपा दे देती है तो हम भाजपा की गुणगान करने लगेंगे। हम तो हम नहीं कह रहे हैं, ये चैनलों पर खबरें चल रही थी और उसकी कुंजी चाचा खुद नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे थे 4 दिन का टाइम चाहिए, 5 दिन का टाइम चाहिए, इसलिए टाइम चाहिए कि दिल्ली सेट नहीं हो पा रहा था। और जब वहां सेट नहीं हो पाया तो दूसरे पर दाव लगाया गया। तो कहीं ना कहीं चाचा का राजनीतिक का जो अस्पष्टता थी, जो उनकी रणनीति थी, वो कामयाब नहीं हो पाई। बाद में जरूरत यह थी कि जनता का दबाव बना, नेताजी के सिंपैथी बहुत तेजी से बढ़ने लगा, तो मजबूरी हुआ कि भाई भतीजे के सामने बहू पहुंच गई, बहू और भतीजे दोनों मिलकर के चाचा के शरण में गए। तो कहीं ना कहीं उनका सम्मान बचाना था कि जनता के सामने हमारा सुसु ना हो, हमारा बदनामी ना हो, इसलिए उन्होंने उनके सामने सरगम गच्छामी कर दिया। लेकिन खैर ठीक है, अब वो अपना एक हो गए हैं, मिलके काम करें, दिल मिला ले। हम मिश्रा जी से कहेंगे कि दिल भी बढ़िया से मिला ले, कहीं ऐसा ना हो कि भतीजा कहता रह जाए कि बड़ा जिम्मेदारी देंगे, बड़ा जिम्मेदारी देंगे। दो महीना चुनाव बीते हो गया, लेकिन सवाल ये है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर को अटल बिहारी फाउंडेशन का चेयरमैन बना दिया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो गैर राजनीतिक संगठन है। अगर दीपक मिश्रा जी को भी अगर संगठन का सह अध्यक्ष बनाया जाए तो ये मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं के विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हैं, साहित्य को आगे बढ़ाते हैं, हिंदी को आगे बढ़ाते हैं। ये तो भाई हमारे उसका सम्मान करते हैं। ब्रजेश पाठक द्वारा ओम प्रकाश राजभर को चेयरमैन बनाना, क्या ये संभावना है कि आने वाले वक्त में दोनों पार्टियों के दिल और ज्यादा मिलेंगे? नहीं नहीं, अगर समाज ये हमारे दीपक मिश्रा जी चाहेंगे तो कहीं भी दिल मिल जाएगा। ये भी जुगाड़ लगा रहे हैं, ये भी प्रयास कर रहे हैं दिल मिलाने के, दल मिलाने के। तो दल मिलाने का, दिल मिलाने का मतलब जो आपके तरफ आएगा दिल मिलाने, आप उन लोगों से दिल मिला लेंगे, ऐसा कहने का मतलब है? जो भी आपकी तरफ पहल करेगा मिलाएंगे ना। देखिए, हम नीतियों सिद्धांतों के साथ मनाएंगे। हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के मुद्दे पर दिल मिलाएंगे। हम भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के नाम पर दिल मिलाएंगे। हम शराबबंदी के मुद्दे पर दिल मिलाएंगे, जातिवाद जनगणना के मुद्दे पर दिल मिलाएंगे। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के मुद्दे पर दिल मिलाएंगे। और हम अमन चैन भाईचारा और समाज के हर वर्गों की भागीदारी और सम्मान सुधारने के नाम पर दिल मिलाएंगे। अरुण जी, एक आखिरी सवाल, दिल मिलाने की बात हो रही है तो आपके पुराने साथी जो समाजवादी पार्टी में आपके सूत्रधार बने थे, देखिए क्या है कि चाचा अनुभवी नेता है, बड़े नेता है और नेताजी के साथ उन्होंने काम किया है। हमारे नेता तो खुल के कहा कि अगर दीपक मिश्रा जी हमसे बात करना चाहे, हम इनसे बात चाहे नहीं करेंगे, हम बुलाएंगे इनको चाय पिलाएंगे, सम्मान से चाय पिलाएंगे। चाचा भी हमको बुलाएंगे कि आइए हमारा चाय पीजिए, हम सम्मान के साथ चाय पीने जाएंगे। इसमें ये थोड़ी ना, लेकिन ये थोड़ी ना हम चोरी चोरी जाकर के चाय पियेंगे, चोरी चोरी जाकर के हम उषा ओढ़ करके रजाई ओढ़ करके बात करते। एक संदेश उदयवीर सिंह जी के लिए, देखिए वो तो भाई संदेशवाहक है, उनका राजनीति में सिर्फ इतना ही रोल है संदेशवाहक का। दीपक मिश्रा जी भी हाथ अगर जोड़ करके उनके सामने चले जाएंगे तो श्री अखिलेश यादव जी के यहाँ अपना इनका संदेश पहुंचा देंगे। वो संदेशवाहक है, वो बस ये करते हैं कि दगे हुए कारतूसों को इकट्ठा करते हैं और वो साजिश रचवाते हैं। श्री अखिलेश यादव जी उनको स्क्रिप्ट देते हैं कि आप साजिश रचो, और आपके दल में अगर कार्यकर्ता नहीं बचे हैं तो दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को खोज करके लाओ, और जो किसी दल को छोड़ के जा रहे हैं उनका दल बनवा दो, उनको पैसा दो, उनको संसाधन दो। दीपक जी से अरुण जी, आपको रोकना चाहूंगा, दीपक जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। दीपक जी, जिस तरह से आपने अरुण जी की बात को सुना, उनका यही कहना है कि जिस पार्टी के साथ भी अगर उनके तालमेल बैठेंगे, उनके जो विचार है वो बैठेंगे, वो उसके साथ जाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी के साथ विचार बैठते हैं तो क्या वाकई में समाजवादी पार्टी जो है वो सुबह के साथ गठबंधन करेगी आने वाले वक्त में, या साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? मैं तमाम किंतु परंतु के बावजूद, तमाम उच्चा वचनों के बावजूद, तमाम आरोह के बावजूद भी आदरणीय प्रकाश राजभर जी का सम्मान करता हूँ। कम से कम जनता के सवालों पर मुखर होकर बोलते हैं। अरुण में तमाम कमियां हैं, बड़े विकास के पुत्र हैं, युवराज हैं, अपने दल से युवराज जैसा निर्णय भी लेते हैं, इसके बावजूद भी जनोन्मुखी और जमीन संत रहते हैं। इसके फिर इस सब के बाद मैं ये बात जरूर कहूंगा कि गैर भाजपावाद के क्षेत्र पर आज समूचे विपक्ष को एक होने की आवश्यकता है, और उसमें ओम प्रकाश राजभर जी एक समय बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए प्रतीत हो रहे थे, वो निभा सकते हैं और निभाए। उन्होंने कहा कि हम भाजपा से इन मुद्दों पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति में समान शिक्षा के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी आज मीडिया और असल के साथ मिलने पर बिल्कुल काम नहीं कर रही है। अटल और आडवाणी जी के दौर का जो स्वदेशी आंदोलन था उसे वर्तमान मोदी सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ एक नेक्सस बनाकर समाप्त कर दिया है। आप स्वदेशी शब्द नहीं सुने होंगे। तो अब भाजपा तो आडम जी के सिद्धांतों से जीतनी जा रही है, कहा तो इन्हें पाठक जी को भी तोड़ के गैर भाजपावादी खेलने में लाना चाहिए था। कहा ये खुद चले जा रहे हैं, आप तो दीवार गिराने के लिए आए थे, आप ही दीवार उठाने लगे, ये तो हद है। खैर इसके बावजूद भी अब जहां तक अरुण जी हमारे दीपक जी हमारे पास समय की कमी है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया वारसी जी से लूंगा। वारसी जी आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से समझा है, ऐसे में अंतिम प्रतिक्रिया आपके लूंगा मैं इस पर। मैं सबसे पहले तो दीपक जी का भी आज और खास तौर से अरुण राजभर जी का दोनों का जो है ज्वाइंट शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आए। और चार दिन से अरुण राजभर जी लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर सोशल मीडिया के स्टार बने हुए हैं। आखिरी प्रतिक्रिया अरुण राजभर जी से लूंगा कि आपने अपने एक पूर्व नेता का स्टिंग किया, आप मुखर हैं और इतने मुखर हैं कि आपने उनकी लोकेशन, वो कहाँ किस कार्यालय जा रहे थे, उसके बाद लखनऊ की एक सड़क पे उनके साथ फेसबुक लाइव कर दिया, ये लाइव वीडियो बनाया और वो लोगों ने देखा उसको, कई कई करोड़ लोगों ने अब तक देख लिया उस वीडियो को। ये सारी साजिश उस पार्टी के साथ जिसके साथ कभी आप हाथ में हाथ डाल के गलबैया मिला के और एक दूसरे से एक दूसरे को बढ़ाने का काम कर रहे थे, ये झगड़ा किसने उत्पन्न किया? क्या कोई बीच के ऐसे लोग हैं जो तो झगड़ा कराने में माहिर हैं? देखिए श्री अखिलेश यादव जी को हम लोग लेके गए थे 27 अक्टूबर को हल्दरपुर मऊ में, एक बड़ी रैली हमने किया था जिसमें लाखों की संख्या में, शायद दीपक मिश्रा जी उस रैली को भी अच्छे तरीके से देखे कि जिस तरीके से जनसमर्थन मऊ में श्री अखिलेश यादव जी को मिला और उन्होंने स्वीकार किया कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी को हमारे साथ आ जाने से हमारी ताकत दोगुनी हुई है और हमारी ताकत बढ़ी है। और मुखरता से जिस तरह वो समाज के गरीब वंचित समाज को जगा रहे थे, वो चीजें देखने के बाद उनके दिमाग में आया कि ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अब अगर यहाँ हम इनको कमजोर नहीं करेंगे तो हमसे बड़े लीडर हो जाएंगे और समाज में इनकी पैठ ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। वही पूर्वांचल ही नहीं, पश्चिम में हम मैनपुरी गए थे कार्यक्रम में, इनके साथ खुद गए थे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जनता के बीच में कहा, बताओ मैनपुरी के लोगों हमें कितने लोग जानते हो। तो ने अपना जवाब दिया, ये श्री अखिलेश यादव जी की साजिश थी। हमने वीडियो बनाकर जी कुछ निकले थे, उनको ये अपने साथ इकट्ठा करके बारूद बनाना चाहते थे जिसको हमने विस्फोट करा दिया और ये सब पैसे के लिए काम कर रहे थे और पैसा नहीं मिल रहा था इसलिए आए थे लेने के लिए और पैसा लेकर के गए थे गाली देने के लिए। तो गाली दे और समाज मां प्रकाश राजभर जी को अपना नेता मान चुका है, हर वर्ग का समाज अपने साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जुड़ना चाहता है, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी की नीतियों के साथ जुड़ना चाहता है और उसी आधार पर हम जी। और यही चीज यादव जी कह रहे थे, मैं कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा हूं, मैं कोई साजिश नहीं रच रहा हूं। अब तो वो तो पर्दाफाश हो गया, अब तो जनता के सामने है, जनता की अदालत में जब जाएंगे कहेंगे कि मैं समाजवादी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं था, तो अब जनता बता देगी किस लिए गए थे वहां। अब वो भी बता दो, हमारे कैमरे में कह रहे नहीं गया था मैं, लेकिन उदयवीर सिंह कह रहे हैं मैं लेके गया था। तो स्पष्ट है कि दोनों के एक मिल, देने वाला कह रहा है कि मैंने दिया है और लेने वाला कह रहा है मुझे मिला ही नहीं, तो कहीं कहीं प्रदेश की जनता ने बाध्यता है, इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही हमारे साथ दीपक मिश्रा जी जुड़े। दीपक मिश्रा जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ वकास वारसी जी जुड़े, सर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सियासी गलियारों में एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर ने हलचल पैदा कर दी। एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर चर्चा में है, जहां उनकी मुलाकात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा की है। उन्हें अटल बिहारी फाउंडेशन का शेह अध्यक्ष बनाने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज होने लगी है कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से नजदीकियों के क्या मायने हैं, क्या वाकई राजभर भाजपा के होने वाले हैं या सिर्फ यूं ही राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।